220 की एवरेज, जल्द ही चार्ज, अच्छी सवारी के साथ आने वाला ये रिक्शा कर्नाटक से निकलकर देश के हर एक कोने में आने वाला मोनेटा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, पावरफुल सुपर ऑटो का नाम दिया गया इस गाड़ी को। और ये गाड़ी अपने आप में काफ़ी पावरफुल ऑटो रिक्शा होने वाला है। अगर बात करें इस गाड़ी की एवरेज की, या बात करें इसकी गाड़ी की डायमेंशन की, या फिर बात करें इस गाड़ी के मोटर की, ये गाड़ी अपने आप में काफ़ी 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 पावरफुल गाड़ी होने वाली है। ये गाड़ी भारत की अपकमिंग बेस्ट गाड़ी हो सकती है। अब अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि बजाज ऑटो रिक्शा भी अपकमिंग मार्केट में आने वाला है। उसके बाद क्या मोनेट्रा उसको कंपटीशन दे पाएगा? मोनेट्रा कंपनी बजाज से अभी इलेक्ट्रिक ऑटो में पहले आ गई है, और बजाज ऑटो अब आ रही है जब सारी कंपनी आने वाली हैं या फिर आ चुकी हैं। तो मोनेट्रा ने भी अपना ये ऑटो रिक्शा लॉन्च कर चुके हैं, और ये भारत में कुछ राज्यों में चलना स्टार्ट भी हो चुके हैं। मोनेट्रा का लुक देखें तो लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है, और फीलिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। और आपसे एक निवेदन है, आप चैनल पर नए हैं या हैं पुराने और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आपके अपना ही चैनल है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाएं। और आप चाहते हैं गेमिंग की वीडियो देखना या फिर टेक्निकल वीडियो देखना, तो हमारे चैनल और भी हैं, तो वहाँ जाके आप मस्त टाइम की वीडियो भी देख सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर फीचर्स काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। जैसे कि एवरेज की बात करें तो इस गाड़ी की जो एवरेज बताई जा रही है 190 से लेके 220 गाड़ी की एवरेज बताई जा रही है। जी हाँ, इस गाड़ी की जो एवरेज है 190 से 220 की एवरेज बताई जा रही है। पर ये भी डिपेंड करता है आपके सवारी पे। जितनी ज़्यादा सवारी आप लोड करेंगे, जितना ज़्यादा हैवी काम करेंगे, तो उतना ही गाड़ी का एवरेज कम हो जाता है। और ये भी मैटर करता है आपकी स्पीड पे कि आप कितना स्पीड पे गाड़ी भगाते हैं, उसके स्पीड के हिसाब से गाड़ी की एवरेज भी मेंटेन होती है। इलेक्ट्रिक ऑटो यानी कि खर्चे कम, क्या इलेक्ट्रिक ऑटो आपको लेना चाहिए? क्या इलेक्ट्रिक ऑटो आपके लिए ठीक है? कुछ परेशानियां हैं, कुछ अच्छाई हैं या कुछ बुराई हैं, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें इंस्टाग्राम पे, और आपको बताएंगे कि सीएनजी ऑटो अच्छा है या फिर इलेक्ट्रिक ऑटो अच्छा है इन फ्यूचर के लिए। अभी इलेक्ट्रिक ऑटो मार्केट में आ चुके हैं और फ्यूचर में इलेक्ट्रिक ऑटो चलने वाले हैं। और अगर आप पेट्रोल ऑटो चलाते हैं या डीजल ऑटो चलाते हैं या फिर चलाते हैं सीएनजी ऑटो, कौन से ऑटो बेहतर हो सकते हैं आपके लिए अभी के टाइम पे? क्योंकि अभी मार्केट 15 से 20 साल की बची है इन ऑटो की, तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ उसके ऊपर, कंपेयर के ऊपर। ये जो ऑटो है इलेक्ट्रिक ऑटो है, और इलेक्ट्रिक ऑटो में काफ़ी फीचर्स इसमें ऐड किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ कंपनी ने ये ऑटो कुछ मार्केट में लॉन्च भी कर दिए हैं, कुछ शोरूम भी इसके खुल चुके हैं। तो वैसे ही अगर आप चाहते हैं इसको लेना, तो आप जल्द इस ऑटो को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑटो बहुत सारे ऑटो से कॉम्पिटिशन कर सकता है, क्योंकि इस ऑटो में काफ़ी दम है और काफ़ी अच्छे ऑटो हैं। और आपसे निवेदन करेंगे, आप चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सुपर ऑटो मोनेट्रा कंपनी का अपकमिंग भारत का बेस्ट एवरेज देने वाला रिक्शा, और बेस्ट लुक वाला रिक्शा, और बहुत सारे फीचर्स के साथ में ये रिक्शा आपको मिल सकता है जल्द आपके हाथ में। इसके फीचर्स या फिर इसकी जानकारी प्राप्त करना, प्राइस वगैरह, तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, हम आपको जल्द ही इसके बारे में और भी वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक जय हिंद जय भारत। 26 जनवरी आपको मुबारक हो।